आज शाम की चाय के साथ ब्रेड पकोड़ा खाने का मन हो रहा है और हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मिक्स एंड मैच ट्विस्ट एंड टर्न सॉर्ट ऑफ अ रेसिपी जिसका नाम है सोया ब्रेड पकोड़ा। चलिए शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं न्यूट्रेला फूड तक और मैं हूँ सबा काजी। यहाँ पर मेरे पास है बॉइल्ड पोटेटोस जिसे हमें अच्छे से एक मिक्सचर के फॉर्म में तैयार करना है मैश करके। ये हमारा फिलिंग का काम करेगा ब्रेड पकोड़ा में। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ न्यूट्रेला के प्री कुक्ड सोया ग्रैन्यूल्स जो है 52% रिच इन प्रोटीन और फैट फ्री भी। ग्रैन्यूल्स ऐड हो चुके हैं, साथ ही साथ चॉप्ड अनियंस, चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, चॉप्ड ग्रीन चिलीज और हमारे सारे ड्राइड स्पाइसेस जैसे नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरे का पाउडर, हल्का सा गरम मसाला और आमचूर खट्टाई के लिए। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को सबसे पहले हमें अच्छे से मैश करना है। ब्रेड पकौड़े की फिलिंग तो तैयार हो गई है सोया ग्रैन्यूल्स के साथ, लेकिन चलिए हम पहले बैटर की भी तैयारी करते हैं। यहाँ पर मेरे पास बेसन है, इसमें मैं ऐड करूंगी हल्का सा नमक, थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, साथ ही साथ पानी और इसे हमें एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी में व्हिप करना है। कोशिश कीजिएगा कि इसमें कोई लम्प्स ना रहे। बैटर भी बिल्कुल तैयार है। अब नेक्स्ट प्रोसेस है इसे फिल करने का। जो मिक्सचर और फिलिंग हमने तैयार किया था सोया ग्रैन्यूल्स और आलू के साथ, उसे हम यहाँ पे मेरे पास ब्रेड स्लाइसेस है इनके बीच भरेंगे। और नेक्स्ट प्रोसेस तो ये है कि इसे हमें फ्राई करना है और जो बैटर हमने यहाँ पे बेसन का तैयार किया था इसी में डुबाते हुए हम इन ब्रेड को डीप फ्राई करेंगे। तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो चलिए ब्रेड को जो है बैटर में सबसे पहले डिप करेंगे दोनों तरफ अच्छे से और कुछ इस तरह तेल में फ्राई होने के लिए छोड़ेंगे। हमारा सोया ब्रेड पकोड़ा एक तरफ से फ्राई हो चुका है, इसे अब हमें पलटना है। सोया ब्रेड पकोड़ा जो है अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं। चलिए ब्रेड पकोड़े को हमें अच्छे से स्लाइस करना है। सोया ब्रेड पकोड़ा बिल्कुल तैयार है। ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, आप अपने बच्चों के टिफिन में भी इसे दे सकते हैं और साथ ही साथ इवनिंग स्नैक विद चाय बहुत ही लजीज लगेंगे ये। न्यूट्रेला फूड तक को यूं ही देखते रहिएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए।